हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंकिता स्टाइल एंड टिप्स। आप लोग का स्वागत है। तो मैं आज लाई हूँ टमाटर की चटनी, जो कि हम इसे डोसे से खा सकते हैं, इडली से खा सकते हैं, आलू के पराठे से खा सकते हैं और पकोड़े से भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, तो क्यों ना हम बनाएं। ये चटनी रेसिपी बहुत आसानी से ये बन जाता है। तो चलिए, हम सबसे पहले मैंने एक तवा लिया, तवा में डाला है थोड़ा सा ऑयल, 1 टेबल स्पून डाला है, और इसमें हम डाल देते हैं करीबन 6 लहसुन के कलियां हैं ये, और इसमें 1/2 इंच अदरक मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट दिए हैं। और फिर से हम डाल देंगे उड़द के दाल। उड़द के दाल हम इसलिए डालते हैं कि ताकि हमारी चटनी का कलर बहुत अच्छा दिखे देखने में। और हल्का सा हमें इसे भून लेना है, उड़द के दाल और लहसुन और अदरक को। फिर इसमें हम डाल देते हैं लाल मिर्च, आप चाहे तो इसके बदले हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। फिर इसमें हम डालते हैं 1 छोटा सा प्याज, और अच्छे से हम भून लेंगे। तीखा अनुसार आप मिर्च डाल लीजिएगा, मैंने 2 ही मिर्च इसमें डाला हुआ है। अब अच्छे से भूनने के बाद फिर इसमें हम डाल लेंगे 2 टमाटर बड़े साइज के, लाल टमाटर कोशिश कीजिएगा आप डालने के लिए, ताकि आपको चटनी भी लाल दिखे देखने में। तो मैंने 2 टमाटर काट लिया है, देख सकते हैं आप। और फिर से हमें अच्छे से भूनते रहना है। ये चटनी बहुत टेस्टी लगती है खाने में, और ये तुरंत बनकर रेडी होने वाले हैं। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया है और तुरंत आपको पकोड़े और चटनी बनाना है, तो ये चटनी आप बना सकते हैं टमाटर के पकोड़े के साथ भी, बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। और इसे हम चला लेते हैं अब, और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और हमें इसे पकाते रहना है, अच्छे से इसे गलने देना है। जब तक कि पूरे गल ना जाए तब तक इसे हमें हल्के हाथ से चलाते रहना है। आप ये प्रोसेस कढ़ाई में भी कर सकते हैं, मैं तवा में ही की हूँ ये। और आप चाहे तो हल्का सा नमक डाल दीजिए, ताकि ये जल्दी से जल्दी ये गल जाए हमारे टमाटर। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि पका हुआ टमाटर लेंगे तो जल्दी गल भी जाएगा और आपका टाइम ज़्यादा लगेगा भी नहीं। तो बहुत आसानी से देखिए गलने लग गया है अब। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और हमारे टमाटर को अब ठंडा होने देते हैं। ये गल गया हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं गलाना है हमें। तब मैंने लिया मिक्सर जार, मिक्सर जार में हम डाल देते हैं टमाटर, हमारा ठंडा हो चुका है। ठंडा कर ही डालिएगा आप पीसने के लिए। इसको पूरा में स्मूथ प्यूरी बना लेना है टमाटर को। अब इसे हम डालते हैं स्वाद अनुसार नमक, आप चाहे तो पीस कर भी बाद में डाल सकते हैं नमक। और इसमें पानी भी थोड़ा डाल देते हैं, बिना पानी के तो पीसेगा ही नहीं, गाढ़ा ही रह जाएगा। तो थोड़ा पानी का क्वांटिटी भी इसमें डाल देते हैं। अब हमारे टमाटर की चटनी पीस कर रेडी हो गई है, तो हम इसे एक बॉल में डाल लेते हैं। तो देख सकते हैं कितना थिक हुआ है। तो हम अपने मिक्सर जार में भी थोड़ी सी पानी डालकर और फिर इसमें चटनी में हम डाल लेंगे अपने। हम अब तड़का लगाएंगे, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, अब रिफाइंड ऑयल ही इसमें यूज कीजिएगा, ताकि वो अच्छा लगेगा। और फिर से हम डाल देंगे जीरा 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून राई, ब्लैक राई मैं ये डाल रही हूँ, और इसे अच्छे से हमें चटकने देना है। और फिर इसमें हम डाल देंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता से चटनी के अच्छे फ्लेवर आते हैं, कहीं भी आप देखेंगे, आप चाहे डोसा या इडली खाए, कड़ी पत्ता की चटनी ही हमेशा रहती है, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च, 2 सूखी लाल मिर्च, और फिर इसमें हम डाल देंगे कड़ी पत्ता ये कुछ। तो हमारा ये तड़का बनकर रेडी हो गया है। अब हम अपने तड़का लगा लेते हैं इसमें। तो हमारा ये चटनी बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड्स।